भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों के रेगिस्तान में थल नभ जल सेना के जवान आजकल युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार में अपनी क्षमता को परख रहे हैं और अपने युद्ध कौशल को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि युद्ध के हालात में दुश्मन की चुनौती को आसानी से निस्तनाबूद किया जा सके। थल सेना अध्यक्ष की उपस्थिति में कई हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया। रेगिस्तानी धरती, आसमान में गरजते हेलीकॉप्टर, पराक्रम के शोर के साथ शान से चलते टैंक, और दुश्मन को चेताता तोप। ये तैयारी हर चुनौती से निपटने की है, उसी की झलक हैं ये तस्वीरें। भारत पाकिस्तान सीमा पर तीनों सेनाओं का ये युद्धाभ्यास पाकिस्तान का दिल धड़का रहा होगा। हर गोले की आवाज से पाकिस्तान की नींद गायब हो रही होगी। अभ्यास का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच पूर्ण तालमेल के साथ जमीनी और हवाई युद्ध पर ध्यान केंद्रित करना है। रेत के समंदर में मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों में ताकत, तजुर्बा और तकनीक को एक साथ परखा जा रहा है। त्रिशक्ति प्रहार नाम के इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के तीनों विंग के जवान एक साथ संकट के दौरान बेहतर तालमेल का अभ्यास कर रहे हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाएं यहां अपने युद्ध कौशल को परख रही हैं। दुश्मन के ठिकानों का कैसे सफाया करना है ताकि दुश्मन दोबारा अपनी निगाह इस ओर उठाने की हिमाकत न कर सके। यही नहीं, आर्मी के बोगरा ब्रिगेड के योद्धा रेगिस्तान में अपनी अटूट संकल्प और कौशल का परीक्षण कर रहे हैं। भारतीय सेना के स्ट्राइक कोर और वायु सेना का ये अभ्यास देखिए, कैसे हेलीकॉप्टर टैंक तक पहुंचता है और सैनिक को टैंक तक एयर ड्रॉप करता है। वायु सेना के विमान थल सेना के साथ मिलकर अपनी क्षमता को परख रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर ने सैनिक और उनके सामानों को युद्ध क्षेत्र में पहुंचाने की काबिलियत को परखा। इस एक्सरसाइज में न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने भारतीय सेना के साथ मिलकर कई तकनीक को पहली बार टेस्ट किया। यही नहीं, युद्ध में तकनीक के इस्तेमाल के लिए कई उपकरणों को परखा भी जा रहा है। ड्रोन से युद्धाभ्यास के पल पल की निगरानी हो रही है। जवान जब दुश्मन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं तब ड्रोन के जरिए उनके हर कदम को परखा जा रहा है। आसमान में उड़ते ड्रोन सैनिकों को नई तकनीक से रूबरू भी करवा रहे हैं ताकि वो हथियारों का बेहतर प्रदर्शन कर सके। पोखरण फायरिंग रेंज में 13 नवंबर से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 13 दिन तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान अपना दमखम दिखा रहे हैं। इसमें करीब 30,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। जैसलमेर के युद्धाभ्यास क्षेत्र में एक्सरसाइज को रिव्यू करने और सैनिकों की हौसला अफजाई करने के लिए थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे भी पहुंचे और उनके सामने भी कई हथियारों की पहली बार टेस्टिंग की गई। सूत्रों के मुताबिक विश्व युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए युद्धाभ्यास में नई रणनीति को अपनाया जा रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता को भी परखा जा रहा है क्योंकि वर्तमान में कई नए हथियार हैं जो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक पर काम करते हैं और युद्ध में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। मेक इन इंडिया की दिशा में भारत एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। देश को जल्द ही स्वदेशी तेजस मार्क टू विमान मिलने वाला है। बता दें कि पिछले दिनों अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइटर जेट के इंजन को लेकर समझौता किया, जिसके बाद इस फाइटर जेट का निर्माण हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हैल करेगा। इस स्वदेशी लड़ाकू विमान का लोहा दुनिया ने माना, अब तेजस के पुर्जे पर होगी मेड इन इंडिया की मुहर।
भारत के सर्वशक्तिमान बनने की हो चुकी है शुरुआत। रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-2 का निर्माण अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगा। हल्के लड़ाकू विमान MK-2 और स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की पहली दो स्क्वाड्रन के इंजन अब देश में ही बनेंगे। तेजस मार्क 2 का वजन मिराज, जगुआर और ग्रिपेन के समान होगा, यानी इसका वजन 17.5 टन होगा। इस विमान में भारी स्टैंड ऑफ हथियार की क्षमता होगी। DRDO के अनुसार अमेरिकी कंपनी GE एयरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर ये इंजन बनाएंगी। अमेरिका से इसकी सभी मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने इसी साल 30 अगस्त को तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमानों के निर्माण की मंजूरी दी थी। ये विमान चरणबद्ध तरीके से मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 लड़ाकू विमानों की जगह लेगा। तेजस MK-2 का निर्माण 2027 तक कर लिया जाएगा। DRDO GE-414 इंजन के साथ एयरक्राफ्ट विकसित करेगा। GE-414 GE-404 का एडवांस्ड वर्जन है। GE-404 इंजन का मौजूदा 83 फाइटर विमान में लगा है। ये 83 फाइटर जेट अगले कुछ सालों में भारतीय एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। तेजस मार्क 1 की तुलना में मार्क 2 ज्यादा एडवांस फाइटर जेट होगा और इसमें इंजन भी ज्यादा ताकतवर होगा। इसकी रफ्तार मैक 2 यानी 3,457 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि ईंधन क्षमता 3,400 किलोग्राम होगी। इस विमान के लिए अभी तक जो लक्ष्य तय किया गया है उसके मुताबिक ये विमान दिसंबर 2024 तक पहली उड़ान भर सकता है और इसके 2028 तक बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। जबकि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA की पहली उड़ान में 7 साल लग सकते हैं और इसे शामिल करने में 10 साल का समय लग सकता है। तेजस एक ऐसा फाइटर जेट है जो जितना हल्का है उतना ही घातक है। आत्मनिर्भर भारत की ये वो शान है जिसके मुरीद आज दुनिया के कई मुल्क हैं। आज इसी सिंगल इंजन फाइटर जेट की बदौलत मेक इन इंडिया की दुनिया में जय जयकार हो रही है, क्योंकि ये है भारत का वो भरोसेमंद हथियार जिसको देख दुश्मन भी दहल जाता है। अब भारतीय वायुसेना को इंतजार और ज्यादा ताकतवर मार्क 2 का है, जो भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयां देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे आस्था के महापर्व छठ की। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ आज आस्था का पर्व छठ संपन्न हो गया। दिल्ली NCR में छठ घाटों पर सूर्योदय से पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सूर्य देवता के दर्शन होते ही सभी भक्तों ने भगवान को अर्घ दिया। इसके साथ ही 4 दिन के इस महाव्रत का समापन हो गया। छठ महापर्व का उल्लास केवल देश में ही नहीं विदेश में भी देखने को मिला। देश विदेश से आई इन 9 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश और विदेशों में कितने धूमधाम से महापर्व मनाया गया। दिल्ली से लेकर अमेरिका के न्यूजर्सी में घाटों पर भारी भीड़ नजर आई। सभी व्रती अपने परिवार के साथ घाट पर पहुंचे और सूर्य को अर्घ देकर अपना 36 घंटे का उपवास खोला। छठ का पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। छठ का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र और उनके खुशहाल जीवन के लिए रखती हैं। पिछले 4 दिनों से सूर्य उपासना के पर्व की छटा हर तरफ देखने को मिली। बाजार से लेकर घाट तक माहौल आस्था और भक्ति के रंगों से सराबोर नजर आया। आपको दिखाते हैं बिहार, पूर्वी यूपी के इस पारंपरिक पर्व की देश के कोने कोने के साथ विदेशों में भी कैसी अनुपम छटा बिखरी। आस्था का पर्व, भक्ति की बयार, छठ पर उल्लास अपार। देश में कमोबेश हर तरफ छठी मैया की जय जयकार रही। घाट गुलजार रहे, जहां आज उगते सूरज को अर्घ देकर व्रत का पारण किया गया। वहीं इससे पहले रविवार को ढलते सूरज को अर्घ देकर छठी मैया से सुख संपन्नता का आशीर्वाद मांगा गया।
ये जो परंपरा अभी निभाई गई सिंदूर लगाना, जितने भी विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए एक तरह से कह लीजिए कि ये मस्ट होता है कि आप जब आप छठ घाट से जाते हैं वापस, तो जो व्रती है उनको प्रणाम करने के साथ साथ आपको सिंदूर लगाया जाता है, आपके घर में आपके परिवार की मंगल कामना की जाती है, आपके बच्चे की उम्र लंबी हो, आपके पति की उम्र लंबी हो, घर में खुशहाली हो, ऐसी कामना यहाँ छठ घाट से की जाती है। छठ की परंपरा और संस्कृति की खुशबू ही इतनी सौंधी है कि ना अब इसकी कोई सीमा है ना तो कोई भूगोल है। बस इतना समझ लीजिए कि छठ ने अपनी अलौकिकता और मान्यताओं से देश के कोने कोने को अपने रंग में रंग लिया है। रविवार को आस्था के इस महापर्व में अस्ताचलगामी सूर्यदेव को पहला अर्घ दिया गया, जिसके बाद श्रद्धालु छठ घाटों से घर लौटे, मगर पूरी रात पूजा अर्चना का सिलसिला घर पर भी जारी रहा। पटना, वाराणसी, लखनऊ, पूरे भक्तिभाव के साथ श्रद्धालुओं ने इन जगहों पर भी भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। छठी मैया को नमन करने के लिए माया नगरी मुंबई भी रंगी दिखाई दी, यहाँ भी छठ के अनोखे रंग बिखरे। मुंबई में हर साल जब छठ का पर्व शुरू होता है तो लोगों की भारी भीड़ होती है। चौथे दिन जब मुंबई में छठी की पूजा शुरू होती है, जब सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, तो उस समय भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं। महिलाएं जो हैं वो मुंबई के अलग अलग जगहों से, परिवार अलग अलग जगहों से पहुंचते हैं। लोग जो हैं अभी भी भारी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हर साल इसी तरीके से जुहू बीच जो है वो लोगों से भरा हुआ रहता है। गंगा समेत कई और पवित्र नदियों की रेतीली जमीन से लेकर तालाब किनारे सजे धजे घाट इन चार दिनों में छठ की छटा बेहद अनुपम दिखाई दी। लोग बिहार से विस्थापित हो गए हैं, पूर्वांचल से विस्थापित हो गए हैं, उनकी कोशिश है कि वो अपने परंपराओं को ना छोड़े, जो अपने त्योहार हैं उनको खुद मनाए, और हम भी छठ की रौनक यहाँ पे देख रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच हिमालय की गोद में बसे जोशीमठ की ये अद्भुत तस्वीर है। यहाँ भी उत्तर प्रदेश और बिहार से निकले लोगों का पारंपरिक महापर्व छठ पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये लोक परंपरा के प्रति अगाध आस्था ही है जिसको अपनाते हुए बिहार मूल की ये छठी व्रती महिलाएं कड़ाके की ठंड में कृत्रिम तरीके से बनाए गए जलकुंड के अंदर खड़ी होकर डूबते सूर्य को अर्घ देती दिखी। सात समंदर पार की धरती पर भी इस छठ की छटा देखते बन रही थी। लंदन में बिहारी कनेक्ट ग्रुप में इस बार बड़े पैमाने पर छठ पूजा कराई गई। परदेश में सालों से रह रही इन महिलाओं की छठ के प्रति आस्था और उत्साह देखते ही बन रहा था। मेरी शादी को 15 साल हो गए और शादी के पहले मेरे घर पे मैं अटेंड करती थी छठ पूजा, और इन 15 सालों में मैंने इतना छठ को मिस किया। और जब मुझे पता चला कि यूके में रह के भी आप छठ पूजा अटेंड कर सकते हो, तो मैं से रहा नहीं गया और मैं यहाँ पे आ गई। तो 15 सालों का जो मैंने मिस किया है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी छठ की रौनक और उसका उल्लास दिल को छू गया। चार दिन का उपवास, कठिन पूजा विधि और भक्तों का अपने आराध्य में अटूट विश्वास, बस यही कुछ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू हैं छठ से जुड़े हुए, जिनसे करोड़ों श्रद्धालुओं की अनंत आस्था बरसों बरस से मजबूती के साथ आज भी जुड़ी है। लखनऊ से शिल्पी सेन, पटना से अनिकेत, मुंबई से पारस दामा, ग्रेटर नोएडा से श्वेता झा और दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात माया नगरी मुंबई की, जिसकी रफ्तार को नए पंख लग गए हैं। 17 नवंबर को नवी मुंबई को उसकी पहली मेट्रो तोहफे के रूप में मिली। ये मेट्रो बेलापुर से पेंधर के बीच चल रही है। इस रिपोर्ट में मेट्रो की पूरी खासियत के साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि ये मेट्रो कैसे नवी मुंबई के लिए एक नई लाइफलाइन बनी है। बीती 17 नवंबर को नवी मुंबई का तकरीबन 13 साल लंबा इंतजार खत्म हुआ। बेलापुर मेट्रो स्टेशन से सुबह 6 बजे पहली मेट्रो चली तो आम नवी मुंबई करों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
दरअसल नवी मुंबई के बेलापुर से पेंधर के बीच मेट्रो के चलने से पहले लोगों को इस रूट पर यात्रा करने के लिए बस और ऑटो का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें समय ज्यादा लगता था। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, मेट्रो का पिलर डाला हुआ है, 13-12 साल हो, अभी आज बैठने में इतना आनंद हो रहा है ना, खुशी हो रही है। मैं न्यू मुंबई 8 साल से रह रहा हूँ, अब मैं ज्यादा समझता हूँ ये आज का दिन हमारी न्यू मुंबई के इसमें सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा। हम खुद को काफी प्राउड महसूस कर रहे हैं कि हमें पहली मेट्रो की पहली ट्रेन में सफर करने का मौका मिला। 26 जनवरी का दिन रहता है, 15 अगस्त का दिन रहता है, उसी तरह का आज दिन है। तो आपने बताया कि लेट हुआ, 11 साल हुए थे, लेट मगर दुरुस्त, काम बहुत अच्छा हुआ है। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। मैं तो यहाँ पर 10 ईयर से रह रहा हूँ और मैं यही बोलूंगा कि दिस इज रियली वेरी एक्साइटिंग और प्लेजर मोमेंट टू ऑल पीपल्स ऑफ द खारघर एज वेल एज तलोजा। हमने ठीक है सर, इट वाज मतलब डिले हुआ बट फाइनली अब चल गया है और हम लोगों को इतनी फैसिलिटी हो गई है सर इस ट्रेन से। इस नई मेट्रो की क्या खासियत है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत एसी कोच, पार्किंग सुविधाएं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए रैंप और सीसीटीवी निगरानी जैसी सुविधाएं दी गई हैं। जाहिर है नवी मुंबईकरों को इस मेट्रो सर्विस का सालों से इंतजार था और क्योंकि ये मेट्रो नवी मुंबई के अंदरूनी इलाकों में चलेगी तो बताया जा रहा है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा तलोजा वासियों को होगा। बस से यहाँ से जाने के लिए हमको कम से कम 40 मिनट लगते थे, अभी वो 20 और 22 मिनट का सफर हमारा पूरा हो जाएगा तलोजा तक। लोगों का बहुत आसानी हो जाएगी, जहाँ पे लोग आप देख रहोगे बाय रोड जाते हो तो कैसे ट्रैफिक लगता है। मेट्रो के थ्रू मैंने जैसे कि आज मैंने पहले बताया था, मेट्रो में जब पहले जाता था जिस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 मिनट लगते थे, वो आपको 10-15 मिनट में जाते। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी तो नवी मुंबई में ज़्यादा फास्ट मूविंग हो जाएगी, अपना टाइम बचेगा, ट्रेवलिंग भी बचेगा। अभी हमको अगर यहाँ से जाना है बच्चों को लेकर किसी को लेकर तो 250-300 रुपये रिक्शे का जाता है, अभी हम 40 रुपये में घर पर पहुँचेंगे, 40 रुपये में घर पे पहुंचेंगे और अपने सुविधा अनुसार कहीं भी उतर सकते हैं, तलोजा फेस वन में उतर सकते हैं, तलोजा फेस टू में उतर सकते हैं, खारघर में उतर सकते हैं, सेंट्रल पार्क, कहीं भी अपने सुविधा के अनुसार उतर सकते हैं। नवी मुंबई के बेलापुर मेट्रो स्टेशन से पेंधर मेट्रो स्टेशन तक करीब 11 मेट्रो स्टेशन होंगे। इन स्टेशनों में सीबीडी बेलापुर सेक्टर 7, सिडको साइंस पार्क, उत्सव चौक, खारघर सेक्टर 11, खारघर सेक्टर 14, खारघर सेंट्रल पार्क, पेटपाड़ा, खारघर सेक्टर 34, पचानंद और पेंधर तलोजा शामिल हैं। ये मेट्रो रूट नवी मुंबई के पूरे अंदरूनी हिस्से से होकर गुजरता है, इसलिए ये रास्ता खारघर नोड के साथ कलमबोली, रोडपाली और तलोजा क्षेत्र के लिए बेहद फायदेमंद बताया जा रहा है। इस मेट्रो की बेलापुर से पेंधर तक यात्रा करीब 11 किलोमीटर रहेगी। हर 15 मिनट के अंतराल के साथ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ये मेट्रो हर रोज चलाई जाएगी। ये मेट्रो सेवा पेंधर से बेलापुर टर्मिनल और बेलापुर टर्मिनल से पेंधर तक हर 15 मिनट में चलाई जाएगी। ये मेट्रो सिडको द्वारा बनाई गई है, जिसमें लोगों के आरामदायक और आसान सफर के लिए सारी सुविधाएं दी गई हैं। इस मेट्रो में यात्रा करने के लिए टिकट का किराया 2 किलोमीटर तक के लिए 10 रुपए, 2 से 4 किलोमीटर के लिए 15 रुपए, 4 से 6 किलोमीटर के लिए 20 रुपए, 6 से 8 किलोमीटर के लिए 25 रुपए, 8 से 10 किलोमीटर के लिए 30 रुपए और 10 किलोमीटर से आगे के लिए 40 रुपए निर्धारित किए गए हैं। बता दें कि नवी मुंबई महाराष्ट्र का तीसरा शहर है जहां पहली मेट्रो शुरू हुई है। पिछले 6 महीनों में इस मेट्रो के उद्घाटन में 4 बार देरी हुई, लेकिन बीते शुक्रवार को बगैर किसी आधिकारिक उद्घाटन के इस मेट्रो सेवा को शुरू कर दिया गया, जिसने नवी मुंबईकरों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी। नवी मुंबई से पारस जामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात पिछले 8 दिनों से फंसे मजदूरों की कर लेते हैं। देश उन 41 मजदूरों के लिए दुआ कर रहा है जो इस वक्त उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे हुए हैं। सभी को सुरक्षित निकालने का मिशन पिछले 8 दिनों से जारी है। अभी तक एक एक दिन नई चुनौतियों के साथ हर एक दिन गुजरा है। बावजूद इसके एजेंसियां जी जान से डटी हुई हैं। जो मजदूर अभी सुरंग में हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है, उनसे बातचीत भी हो पा रही है, उन तक खाना पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन मिशन के सामने अभी ऐसे कई पड़ाव हैं जिससे पार पाना चुनौती बना हुआ है। आपके सामने ये 8 दिनों से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि कैसे सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचना अभी तक एक चुनौती बना हुआ है। हालांकि रेस्क्यू में जुटी तमाम एजेंसियां विकल्पों पर विचार कर रही हैं और रेस्क्यू का एक 6 प्लान भी
तैयार किया जा रहा है। फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले मजदूरों तक खाना पहुंचाने के लिए 6 इंच की पाइप डाली जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि यह मिशन जल्द कामयाब होगा और सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर आ जाएंगे। पहाड़ के इस हिस्से पर दरअसल अब आप जब मशीनें देख रहे हैं तो यहाँ जियो फिजिकल जो इंस्टीट्यूट है, जो एजेंसीज हैं, वो अपना सामान लेकर के पहुंची हैं और इनका काम है दरअसल ये देखना कि जिस सतह पर हम खड़े हैं इसके ठीक नीचे और सुरंग के बीच तक की जो मोटाई है परत की, उसमें किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, यानी मिट्टी कितनी संवेदनशील है, ढांचा कैसा है और उससे क्या ऑपरेशन कितना आसान मुश्किल हो सकता है या किस तरह की दिक्कतें आएंगी। अब आप देखिए कि जहां पर सिर्फ पहाड़ था, पूरा हिस्सा था, इसको काट करके सड़क तैयार कर दी है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑपरेशन कितना बड़ा है। कैसे जिन इलाकों पर हम दरअसल 3 दिन पहले आए थे कुछ भी नहीं था, अब वहां चौड़ी सड़क बन गई है। तो ये पूरी कोशिश इसलिए की जा रही है कि ये जो रास्ता है यहां मूवमेंट हो जाए ताकि मशीनरी पहुंच सके। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता अंकित शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे और अपडेट लेते हैं। अंकुर, ये बताइए कि अभी खबर के मुताबिक डीआरडीओ भी इस ऑपरेशन में शामिल हो गया है और भी कई एजेंसीज की पैनी नजर इस ऑपरेशन पे बनी हुई है, लेकिन मामला जो है वो वही है कि 41 मजदूर जो है वो अंदर फंसे हुए थे और अभी भी फंसे हुए हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या है, खाना पहुंचाने की कोशिश है तो कब तक खाना पहुंच जाएगा? जी बिल्कुल, आप सही कह रही है, आज 9वां दिन शुरू हो चुका है और जो ऑपरेशंस कार्यरत हैं लगातार, कई सारी मल्टीपल टीम जो हैं ऑपरेशंस कर रही हैं और अपनी स्ट्रैटेजी के तहत जो 6-पॉइंट प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही हैं। इस समय मैं आपको दिखाता हूं कि टनल के पास किस तरह के हालात हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले डीआरडीओ की टीम यहाँ पहुँची थी और अपने रोबोटिक्स किट के साथ यहाँ पहुँची थी। अभी फिलहाल डीआरडीओ की टीम अंदर गई है, अगर बाएं ओर की तरफ जाएं तो वहां पर कुछ सामान पड़ा है, वहां मैं दिखाता हूं कि फैब्रिकेशन का सामान रखा गया है, उसके साथ बॉक्स कर्वलेट्स रखे गए हैं जो कि सेना की मदद से इन बॉक्सेस को लगाया जाएगा क्योंकि टनल के अंदर लगातार रिपेयरिंग का काम चल रहा है। मलबा ऊपर से गिर रहा था और मशीन की सुरक्षा के लिए और क्रू की सुरक्षा के लिए लगातार आर्मी जो है वो वर्क कर रही है। इसके साथ साथ ब्लेड्स भी रखे हैं ऑगर ड्रिलिंग मशीन के और जैसे ही ये जो रिपेयरिंग वर्क पूरा होता है उसके बाद ऑगर ड्रिलिंग मशीन काम करना शुरू कर देगी और एजेंसीज ऐसे होपफुल है कि उसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है अभी अगर सामने की तस्वीर को देखें तो सिर्फ रणनीति पे काम किया जा रहा है और रणनीति पे काम करने के तहत जो है वो तैयारियों को देखा जा सकता है, लेकिन जो अंदर जाने की बात हो रही है, उन रणनीति को एग्जीक्यूट करने की बात हो रही है, वो अभी तक नहीं हो पाया है। पिछले 9 दिन हो चुके हैं इसी रणनीति पर काम करते हुए। नितिन गडकरी भी कह रहे थे 6 एक्शन प्लान है जिस पर काम किया जा रहा है, प्रॉब्लम कहां पर आ रही है और क्या जिस तेजी के साथ हम काम कर रहे हैं उससे इन मजदूरों को जल्दी निकाला जा पाएगा? जी बिल्कुल, यही सवाल है और हर किसी के मन में यही सवाल है कि 9 दिन हो चुके हैं, तरह तरह की स्ट्रैटेजीज को यूज किया जा रहा है, 6-पॉइंट प्लान यूज किया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मेरे पीछे जो पहाड़ देख सकते हैं या टनल है उसकी जो सतह है वो काफ़ी नाजुक है और सिल्ड और शियर रॉक्स के साथ भरी हुई इसका जो जियोलॉजी है वो इस तरह की है कि काफ़ी रिस्की है। इसीलिए जैसा मेरे सहयोगी आशुतोष भी बता रहे थे कि जियोलॉजिकल सर्वे की टीम आई है, वो जांचेगी कि मिट्टी किस तरह की है, सतह किस तरह की है। वर्टिकल ड्रिलिंग कोई आसान काम नहीं है, काफी टफ काम है और जिस तरह से 60 डिग्री के एंगल पे या ऊपर से नीचे तक वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत अंदर जाया जाएगा उसमें काफी समय लग सकता है। अभी तैयारियां ही हो रही है, एक पैसेज तैयार किया जा रहा है, रोड बनाई गई है और फिर वहां पर मशीन को सेटल किया जाएगा। अंकित, ये जो पूरा प्रोसीजर आप बता रहे हैं, मतलब आपको सॉइल भी चेक करना है, आपको वहां पर ऐसी व्यवस्था बनानी है जिससे कि मिट्टी और ना धसे, तो ऐसे में इसमें पूरा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और क्या 41 मजदूरों की जिंदगी तब तक फंसी रहेगी, तब तक उनको खाना पानी सब इसी तरीके से पहुंचाया जाएगा? जी, अभी तक जैसा आप भी बता रही थी कि अभी तक जो है वो चने, मुरमुरे और ड्राई फ्रूट्स एक छोटे पाइप से टनल के अंदर भेजे जा रहे थे, लेकिन एक नई लाइफलाइन पाइप लग रही है जो कि 125 मिलीमीटर की है और बड़ी पाइपलाइन है, उसको माइक्रो टनल भी बोल सकते हैं। उसमें रोटी और जो
पोषक खाना है वो भेजा जाएगा ताकि मजदूर जो है ठीक से खाना खा सके और उनकी जो हेल्थ है वो और ज्यादा खराब ना हो। इसके साथ साथ मजदूरों से बातचीत कर जो जरूरी दवाइयां हैं वो भी उनको भेजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इस तरह से पिछले 9 दिन से या कहें 10 दिन से, क्योंकि 11 तारीख की रात को मजदूर 8 बजे जब नाइट शिफ्ट में गए थे तो 12 तारीख को सुबह ये हादसा हो गया, तो इस तरह से वो जिस अंदर है, हालांकि उसमें पैसेज भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, लेकिन अगर कोई हमें कमरे में बंद कर दे तो हम 1 मिनट 1 दिन में ही क्या 1 घंटे में बेचैन हो जाते हैं। तो मनोदशा पे किस तरह से हमला हो रहा है वो देखने वाली बात है, वो सोचने वाली बात है, और दिन प्रतिदिन उनका मनोबल टूट रहा है क्योंकि उनको भी अंदर जानने के लिए अंदर जानकारी पहुंच रही है कि कैसे मशीन फेल हो रही है, अब नया अटेम्प्ट किया जा रहा है, चारों तरफ से अटेम्प्ट किया जा रहा है, लेकिन कब पहुंचेंगे हमारे पास और हम कब बाहर निकल पाएंगे। अच्छा अंकित, आप जहां पर हैं क्या वहां की तस्वीरें दिखा सकते हैं, किस तरह से कार्य आगे बढ़ रहा है, कौन से बोल्डर्स वहां पे मौजूद हैं, ये सब अपने दर्शकों को दिखाएं। जी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं एक बार फिर पीछे ले जाऊंगा टनल की ओर। यहाँ पे देखा जा सकता है कि मशीनरी किस तरह से काम कर रही है, जेसीबी एक ट्रक के द्वारा ले जाई जा रही है, उसके अगर दाहिने ओर अगर हम आए तो ऑगर मशीन के ब्लेड्स वहाँ रखे हुए हैं और उसके साथ साथ फैब्रिकेशन का सामान रखा हुआ है, क्योंकि जो टनल है उसकी छत का जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है। 2 दिन पहले क्रैकिंग साउंड आया था जिसके बाद मशीन का कार्य रुक गया था और टनल को असुरक्षित बताया जा रहा था। तो 50 मीटर का जो हिस्सा है चेनेज 150 से लेकर चेनेज 203 तक, उसको सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है ताकि टनल के अंदर ड्रिलिंग फिर से स्टार्ट हो सके। ऑगर ड्रिलिंग मशीन जो है वो एक चैलेंज और है, क्योंकि जब ड्रिलिंग हो रही है और पाइप्स अंदर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हैवी मेटल या फिर बोल्डर जो है वो टकरा रहे हैं और उसकी वजह से वाइब्रेशन बहुत हो रहा है और मशीन को नुकसान पहुंच रहा है। तो उसके लिए भी एक रोबोटिक्स टीम आई है जो जांच करेगी कि डेब्रीज के अंदर आखिर है क्या, क्या कोई मशीन फंसी हुई है या फिर कोई और चीज है जिसको काटना है या उसके उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो जिस तरह से यहाँ पर अभी सन्नाटा देखा जा रहा है, अंदर उतनी ही तेजी से काम करने की कोशिश की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आए थे, उनको ज्यादा आगे जाने नहीं दिया तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया और नजर नहीं आया कि किस तरह से काम चल रहा है। बिल्कुल, देखिए अंकित, सावधानी तो बरतनी होगी, जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं जायजा लेने के लिए भी, देखने के लिए भी, तो सावधानी तो बरतनी होगी। वहां पर डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है, क्या आपकी उन टीम से बात हुई है या फिर एनडीआरएफ के जवानों से आपकी बात हुई है काम को लेकर और आगे का क्या पूरा प्लान रहेगा? जी, हमारी बात एनडीआरएफ के डीआईजी से हुई थी और उन्होंने हमें बताया था कि एनडीआरएफ की कई टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं, एनडीआरएफ की ओबी वैन भी वहाँ मौजूद है। जिस तरह से नेटवर्क की दिक्कत आती है तो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए एनडीआरएफ की एक स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन वैन को यहाँ बुलाया गया ताकि किसी भी मदद के लिए उनको सिग्नल दिया जा सके। इसके साथ साथ एनडीआरएफ की कई टुकड़ियों ने यहाँ कैम्प किया हुआ है, करीब 200 से ज्यादा यहाँ पर राहत कर्मी लगातार काम कर रहे हैं। और मेडिकल की अगर हम बात करें तो सीएमओ से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कल रात को 3 मजदूरों को चक्कर आने की शिकायत आई थी और 3 मजदूरों को लूज मोशन की शिकायत आई थी, जिसके लिए उनको दवाई प्रोवाइड करवाई गई है। कुछ मजदूरों को एंटी डिप्रेसेंट प्रोवाइड करवाया गया जिनको घबराहट की या एंग्जाइटी की शिकायत आ रही है। इसके साथ साथ विटामिन सी और विटामिन डी भी प्रोवाइड करवाया गया है और पाइप के माध्यम से ही डॉक्टर्स जो है वो बात करते हैं और जो जरूरत की मेडिसिन हैं वो उनको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन में इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि रेस्क्यू में जुटे एनडीआरएफ के जवान और दूसरे मजदूर भी सुरक्षित रहें। इस मकसद को पूरा करने के लिए एजेंसी ने क्या रणनीति अपनाई है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष।
उत्तरकाशी के सुरंग में हादसे में 39 लोगों को बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है उसका 9वां दिन है और 9वें दिन भी कोई बहुत बड़ी कामयाबी अब तक हाथ नहीं लग पाई है, लेकिन तमाम कोशिशें जारी हैं और इस बीच लगभग मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यानी एक नहीं कई रास्तों पर विचार किया जा रहा है। मसलन पहाड़ के ऊपर से खुदाई की जा रही है, वहां से ड्रिलिंग करने की तैयारी हो रही है, साथ ही जो पहले ही ऑगर मशीन काम कर रही थी उसकी तीव्रता बढ़ाई जा रही है, वो खराब ना हो तो उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो मंगा लिए गए, एक अल्टरनेट मशीन जो है वो इंदौर से एयरलिफ्ट की गई है और जो कुछ भी जरूरी होगा उस ऑपरेशन के लिए वो तमाम चीजें मुहैया कराई जा रही हैं साइट पर। लेकिन इस बीच एक और प्लान जो काम चल रहा है वो है सुरंग के उस हिस्से में इस तरह के कंक्रीट ब्लॉक लगाना। ये ब्लॉक क्या करते हैं, दरअसल अब जो मशीन चल रही है वहां मलबा गिर रहा था, उसके वाइब्रेशन से जैसे ही मशीन ड्रिलिंग करती है आगे कोई ठोस चीज आती है तो मशीन का घर्षण बढ़ता है, उससे कंपन हो रहा है और कंपन से मलबा गिर रहा है। अब इस तरह के बड़े बड़े ब्लॉक्स मंगाए गए हैं जो मशीन को साथ साथ गुफा के एक हिस्से में यानी सुरंग के एक हिस्से में ये ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। ये ब्लॉक काम क्या करेंगे, समझिए कि ये एक मुहाना है जहां पर मशीन काम कर रही है उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, मलबा गिर रहा है, जहां काम चल रहा है वहां भी बड़ी संख्या में मजदूर और एक्सपर्ट काम कर रहे हैं और ऐसे में एक और बड़ा हादसा ना हो जाए अब ये ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। इसका रास्ता ये होगा कि मान लीजिए अगर यहां से मलबा गिरा वो तमाम सारे लोगों को यहां से निकलकर 200 मीटर बाहर सुरंग के बाहर वो पहुंच सकते हैं तो आगे जो आर्क लगे हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जो फ्रेजाइल हिस्सा है जहां सब कुछ टूट सकता है वहां इस तरह के ब्लॉक बेहद कारगर साबित होंगे। और इसीलिए जो 6 एक्शन प्लान है उसमें एक हिस्सा ये भी महत्वपूर्ण है कि जो अभी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कोई हादसा ना हो और इसीलिए बड़े बड़े ट्रकों पर लाद के इस तरह के ब्लॉक्स जो है इस समय साइट पर पहुंचाए जा रहे हैं जिनकी असेंबलिंग की जा रही है ताकि और जान माल का नुकसान ना हो। उत्तरकाशी से मृदुल के साथ में आशुतोष मिश्रा। वहीं उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए अब बड़े स्तर पर टनल से जुड़े एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग और अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष प्रोफेसर अर्नॉल्ड रिस भी उत्तरकाशी में मौजूद हैं। प्रोफेसर अर्नॉल्ड इस इलाके की भौगोलिक संरचना की जानकारी रखने वाले जियोलॉजिस्ट के साथ लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। इस रेस्क्यू टीम की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाए। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़ी सावधानी से अंजाम दिया जा रहा है। ये सभी एक्सपर्ट्स बेहद बारीक जानकारियों के आधार पर ही अपने आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। देखिए तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ने की जरूरत है और टनल में जो मजदूर फंसे हैं उनका आत्मबल बढ़ाने की भी जरूरत है, क्योंकि 9 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और ऐसे में उन तक जरूरी सामग्री तो पहुंचाई जा रही है लेकिन मनोदशा उनकी मजबूत रखने की पूरी कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, बाहर से एक्सपर्ट्स की टीमें बुलाई गई हैं और हर एक मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन लोगों को बाहर निकाला जा सके। We are getting 41 men out of this tunnel and we're making sure no one else gets hurt in the process. And if it takes us a little time, we'll take time. Because all of us agree that we cannot rush and endanger the lives of any more people. And we also agree that we are able to get these men out. So please give us, just give us a little time. We've got a very serious meeting to happen now and there'll be some decisions taken.